जगदलपुर के संजय गांधी वार्ड में 2 महीने पूर्व शुरू हुई प्रधानमंत्री आवास विवाद जल्द ही खत्म होने की उम्मीद जताई जा रही है। वार्ड की प्रभावित महिलाओं ने आज कलेक्ट्रेट कार्यालय पहुंच बस्तर कलेक्टर रजत बंसल से मुलाकात की और जिला प्रशासन द्वारा किए जा रहे कार्यों को लेकर संतुष्टि जताई है। गौरतलब है कि शहर के संजय गांधी वार्ड में कांग्रेसी पार्षद द्वारा प्रधानमंत्री आवास दिलाने का वादा करते हुए वार्ड के तकरीबन 41 महिलाओं से 25,000 रुपए ले लिए थे। मामले में प्रभावित लोगों ने शिकायत थाने में कर पार्षद कोमल सेना पर कार्रवाई की मांग की थी, जिसके बाद से इस मामले ने तूल पकड़ लिया था। यह मामला मुख्यमंत्री से लेकर राज्यपाल तक भी जा पहुंचा। इस मामले में आरोपी पार्षद कोमल सेना के खिलाफ पीड़ितों की शिकायत पर बोधघाट थाने में FIR भी दर्ज कर ली गई है, जिसके बाद पीड़ितों का गुस्सा कुछ हद तक कम भी हुआ है। वहीं बस्तर कलेक्टर रजत बंसल के निर्देश पर मामले की जांच के लिए जिला प्रशासन, नगर निगम, रेवेन्यू, रेलवे व अन्य विभागों की एक जांच समिति भी गठित की गई है। बस्तर कलेक्टर ने 2 हफ्ते पूर्व सभी पीड़ितों से अलग अलग मुलाकात कर बयान भी दर्ज किया है। कलेक्टर रजत बंसल ने जानकारी देते हुए बताया, इस मामले में पीड़ित परिवारों को प्रधानमंत्री आवास या अटल आवास के तहत घर देने का प्रयास भी किया जा रहा है, साथ ही किसी भी स्थिति में रेलवे की भूमि में रह रहे परिवारों को बेघर नहीं किया जाएगा। वार्ड में प्रधानमंत्री आवास को लेकर के जो शिकायत मिली थी उसमें लगातार जिला प्रशासन कार्रवाई कर रहा है त्वरित रूप से। मैंने खुद उसमें व्यक्तिगत सुनवाई कुछ हफ्ते पहले की थी, उसके बाद तत्काल जांच के आदेश दिए थे। एक जिला स्तर की जांच गठित की है जिसमें जो हमारे ADM साहब हैं उनके साथ संयुक्त रूप से रेलवे, नगर निगम, जिला प्रशासन के, रेवेन्यू के और सभी विभागों के कर्मचारी और अधिकारियों की उसमें ड्यूटी है। साथ में एक रेवेन्यू का पूरा सर्वे भी वहाँ किया जा रहा है। मैंने खुद उसका फील्ड में जा करके जाँच की है और उस सर्वे भी लगभग 50% पूर्ण हो गया है। आज जो मेन हमारे एप्लीकेंट्स थे वो आज हमारे पास आए और उन्होंने धन्यवाद दिया जिला प्रशासन के इन प्रयासों को देखते हुए, और आगे चल करके उनका भी विशेष सर्वे हम लोग कर रहे हैं। साथ में प्रधानमंत्री आवास योजना एवं अटल आवास योजना के जो नियम के दायरे में रहते हुए जितने जल्दी से जल्दी हम लोग उनको आवास दे पाएँ उसकी कोशिश जिला प्रशासन कर रहा है। BNA 24 न्यूज़ के लिए जगदलपुर से धीरज मेहरा की रिपोर्ट।